कंज्यूमर वाइस यह संस्था एक पवित्र उद्देश्य के लिए काम कर रही है और उपभोक्ताओं को जगाने के साथ साथ जो पैकेज्ड फूड है जिसके अंदर शुगर, नमक, ऑयल, ट्रांसफेट, इसकी जो अधिक मात्रा होती है इसको कैसे कम किया जाए और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा किया जाए, इस दिशा में लंबे समय से सतत प्रयास कर रही है। अनेक डॉक्टर, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और आज जो सांसदों के बीच इन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन रखा, निश्चित रूप से यह हम सबके मन को प्रभावित किया है। और मैं तो चाहूँगा कि देश की ऐसी शोध संस्थाएं जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है और नीति निर्माता एकदम वैज्ञानिक तरीके से इसका विश्लेषण करें और विश्लेषण के बाद जब भी कोई नीति बनाएं उसमें प्राथमिकता यह रहे कि उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य उत्तम रहे, उनको कोई ऐसा जहर न परोसा जाए जो आगे चल करके उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। हमारा देश डायबिटिक का कैपिटल बनता जा रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। ये क्यों आ रहा है? ये जंक फूड के कारण से, अधिक फैट के आइटम खाने से, अधिक मात्रा में शुगर लेने से, अधिक मात्रा में नमक लेने से ये शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करती हैं। चूँकि इसके लिए एक प्रकार से नीति के निर्माण की और फोर्सली लेबल के अंदर ये स्पष्ट लिखा जाए कि इसमें इतना शुगर है, इतना सोडियम है, इतना नमक है, जिससे कि किसी व्यक्ति को नमक नहीं खाना है लेकिन पैकेज्ड फूड में वो स्पष्ट नहीं होने के कारण से उन्हें कठिनाई होती है। मैं ये आग्रह करूँगा कि इस दिशा में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री उस पर विचार करे और विचार करके कोई रणनीति बनाए ताकि पीपल वॉइस का जो विचार है वो जन जन तक के पहुँचे। धन्यवाद।